हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो हम बनाने वाले हैं हमारे मेकअप ट्यूटोरियल पे, और ये ट्यूटोरियल है फॉर बिगनर्स के, लाइक जिनको विदाउट मेकअप मेकअप लुक, इवन सभी को पसंद है कि एकदम नेचुरल सा मेकअप लगे, ओवर हाईलाइटेड नहीं। और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को पूरा एंड तक देखना बिना स्किप किए, और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी जितनी भी वीडियोस आएंगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। तो यस, बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। लेट्स। तो सबसे पहले हम लेंगे प्राइमर। प्राइमर ले लेना है और इसको अपने फेस पे अप्लाई करना है। इसको लगाने के बाद हमें इसको कर लेना है थोड़ा ड्राई, जस्ट 2 से 3 मिनट के लिए। तो अब हमें लगा रहे हैं कंसीलर। कंसीलर हम इसलिए यूज़ करते हैं जो हमारे डार्कन एरियाज हैं या बर्थ मार्क है या कोई स्पॉट्स है, डार्क स्पॉट्स, तो उसको हम कवर अप कर सकते हैं, इसलिए हम यूज़ करते हैं कंसीलर। कंसीलर लगाने के बाद हम यूज़ करेंगे हमारा स्पंज। इसको हमने वेट कर लिया था, उसके बाद स्क्वीज कर दिया सारा पानी, और उसके बाद हम इसको स्पंज की हेल्प से पूरे में स्प्रेड करेंगे। कंसीलर करने के बाद हम यूज़ करेंगे फाउंडेशन, और मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा फिट मी का फाउंडेशन। सॉरी, जस्ट थोड़ा सा ही लेना है, लाइक इतना। अपने हाथ से इसको ऐसे ब्लेंड करके आपके पूरे फेस पे अप्लाई करना है। तो पूरे फेस पे लगाने के बाद अगर हमारी नेक मतलब थोड़ी डार्क लग रही है तो हमें अपना पूरा नेक का इतना एरिया कवर अप करना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा और ले रही हूँ। इसको पूरे एरिया में ब्लेंड कर लेना है प्रॉपरली। एंड हाँ, वन मोर थिंग, आपको ये जो स्पंज लेना है उससे आपको ऐसे रब नहीं करना, जैसे अपवर्ड लेके ऐसे थोड़ा सा प्रेस करके ऐसे स्पंज की तरह ना इसको ब्लेंड करना है, जस्ट डैप डैप डैप। हमने पूरी ब्लेंडिंग कर ली है कंप्लीट, और देखो एकदम फिनिशिंग लग रही है, एकदम प्लेन कैनवास लग रहा है। ये देखो मेरा बर्थ मार्क है, वो भी अभी शो नहीं हो रहा है, लाइक और भी जितने डार्क सर्कल्स दिख रहे थे पहले, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है, जस्ट एक नॉर्मल हमने कंसीलर यूज़ किया है इस पर और फाउंडेशन जस्ट। इसके बाद हम लगाएंगे इसको पैक करने के लिए हमारा कॉम्पैक्ट। मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा फिटमी का कॉम्पैक्ट। आपको इसको यहाँ से उठा के सीधा से फेस पे नहीं लगा लेना, आपको इसको थोड़ा डस्ट अप कर देना है, और फिर उसके बाद आईज के नीचे यहाँ पे इसको ब्लॉक कर देना है। एकदम लाइट, इसको भी ऐसे डस्ट कर लेना है, और उसके बाद
ब्लशर भी। तो ब्लशर के बाद जैसे हमने बोला है कि हमें एकदम नेचुरल नो मेकअप लुक चाहिए, तो अब इसके बाद हम लगाएंगे काजल। आपको कौन सा लगाना है, आपको जो पसंद हो, बट मैं आपको सजेस्ट करती हूँ अगर हम विदाउट मेकअप लुक मीन्स एकदम नेचुरल चाहिए तो हमें हमारी लिपस्टिक जो है हमारे लिप कलर के अकॉर्डिंग ही यूज़ करनी है। तो लिपस्टिक लगा ली है, लिपस्टिक हो गई है डन। और इसके बाद हम लगाएंगे थोड़ा सा हाईलाइटर। तो मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा हाईलाइटर, इसमें 5 शेड्स हैं। नेचुरल लुक मेकअप। तो गाइस कैसा लगा आपको मेरा मेकअप? अच्छा लगा तो कमेंट करना नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए। और इसी के साथ इस वीडियो को कहते हैं यहीं पे एंड, और जल्दी मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय बाय।